हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीमास किचन। तो आज हम बनाएंगे केसर वाले पेड़े, जो कि 10 मिनट में बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और इसे आप कभी भी व्रत वगैरह में बना करके बहुत ही इजीली खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। केसर वाला पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नॉन स्टिक की कढ़ाई लेंगे। आप इसे किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो खोआ लिया है। ये मैंने पहले फ्रिज में रखा था, पर अभी मैंने इसको 2-3 घंटे पहले निकाल के रख दिया था। ये काफी सॉफ्ट हो गया है, तो मैंने इसे ग्रेट नहीं किया है, इसे मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिया है। पर अगर आप ठंडा खोआ यूज कर रहे हैं तो उसे कद्दूकस कर लें, फिर उसे यूज करें। तो बस मैंने यहाँ पर खोआ, मेरा बहुत सॉफ्ट था, तो मैंने इसको हाथ से ही तोड़ दिया है, मतलब क्रम्बल कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं जो हमारा खोआ है वो मैंने काफी अच्छे से इसको तोड़ दिया है, मतलब महीन महीन चूरा कर दिया है। तो अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे 2-3 मिनट तक सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। बहुत ही आराम आराम से इसको आप चलाते रहें, बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी इसको बनाने में आपको। बस आपको इसको सिर्फ कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे कि बिल्कुल भी नीचे लगे ना। तो आप देख सकते हैं ये पहले से काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें केसर का दूध डालेंगे। तो मैंने आधे घंटे पहले जो है थोड़े से केसर के धागों को दूध में भिगो करके रख दिया था, और अब आप देख सकते हैं केसर ने बहुत ही अच्छा कलर छोड़ा है। इस तरह से हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे एक बार, और इसे अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता, मतलब कि पक नहीं जाता। तो जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे, वैसे वैसे खोआ घी छोड़ता जाएगा और ये बहुत ही सॉफ्ट होते जाएंगे, मतलब एकदम जैसे मखमली होना चाहिए ना पेड़ा बनाते समय, एकदम वैसा हो जाएगा। तो ये पहले से काफी सॉफ्ट हो चुका है, पर इसको थोड़ा सा और चिकनाहट देने के लिए हम इसमें 2 चम्मच देसी घी का डाल देंगे। इससे आपके जब पेड़े जब आप इसको बनाओगे ना, मतलब रोल करोगे, तो बाद में ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल भी कड़े नहीं होंगे, बहुत ही सॉफ्ट बने रहेंगे। बस अब आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है वो काफी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। पर अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। तो मैंने आधा किलो खोआ लिया था, पर मैंने आधा किलो में एक आधा कटोरी जो है चीनी भी डाली है, मतलब जो मीडियम साइज की कटोरी होती है वो मैंने आधी कटोरी इसमें चीनी डाली है। पर अगर आप मीठा थोड़ा ज्यादा खाना पसंद करते हो तो आप चीनी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसे हम चीनी को डालेंगे वो चीनी अपना पानी छोड़ देगी, तो इस तरीके से वो थोड़ा सा लिक्विडी सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा बैटर गीला हो जाएगा। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर कॉन्टिन्यू चलाते रहेंगे। आप चाहें तो फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं, पर हाई करने से क्या होता है ना, वो छींटे मारने लगता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें जलने का डर रहता है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखें, इसको आराम आराम से गाढ़ा होने तक अच्छे से पकाएं, और जब ये डो के फॉर्म में आने लगेगा ना, बस तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो अभी हम इसे 5-6 मिनट और पकाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, कलर एकदम चेंज हो गया है, बहुत ही डार्क कलर आ गया है, काफ़ी अच्छे से ये डो के फॉर्म में भी आ गया। तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था, पर ये अभी भी बहुत गर्म है, पर इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है। अब हम इसको सारा मिक्सचर जो है हम इसमें निकाल देंगे और इसे हम तब तक ठंडा होने देंगे जब तक ये काफी अच्छे से रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर, मेवा वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं, पर मुझे यहाँ प्लेन पेड़ा पसंद है, तो मैंने इसको एकदम सिंपल तरीके से बनाया है। तो बस अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करेंगे, जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा तब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो बस अब आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ठंडा हो गया है, और जो बैटर है, मतलब जो हमारा खोए का मिक्सचर है, वो पहले से बहुत ही टाइट भी हो गया है। बहुत ज्यादा इसको मैंने टाइट इसलिए नहीं किया था क्योंकि पेड़ा बनाने के बाद फिर वो बहुत कड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना बड़ा आपको पेड़ा बनाना हो उस हिसाब से आप एक छोटी सी बॉल ले और उसको गोल गोल हथेली के बीच में घुमा करके और बीच में उसे इकट्ठा कर दे। एक मैं यहाँ पर आपको और बना के दिखा दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप इसमें बीच में इकट्ठा कर दें और इस तरीके से हम अपने सारे पेड़ों को बना लेंगे। तो पेड़े हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं, और इन सब के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा एक एक दाना पिस्ता काट के लगा दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने पसंद के हिसाब से मेवा कोई भी लगा सकते हैं। ये देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, सुपर सॉफ्ट, मतलब इतने सॉफ्ट और इतने मखमली जैसे लगते हैं, एकदम दानेदार, बढ़िया, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनके तैयार होते हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। आप इसको अपने घर में जरूर बना के ट्राई करिएगा। इस समय तो नवरात्रों का सीजन चल रहा है,
महीना चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब झटपट वाला रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। तो पेड़े हमारे बिल्कुल बनके रेडी हो चुके हैं, जो कि आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।